नमस्कार दोस्तों, ऐसा कई बार होता है कि हमें किसी वेबसाइट के ट्यूटोरियल की ज़रूरत पड़ती है और उस टाइम हमारे पास इंटरनेट नहीं होता है, और ऐसे में हमें लगता है कि काश मैं इस वेबसाइट को ही पूरा डाउनलोड करके अपने सिस्टम या मोबाइल में रख लेता और अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसे इस्तेमाल करता रहता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने जा रहा हूँ कि आप किसी भी वेबसाइट को ऑफलाइन डाउनलोड करके कैसे रख सकते हैं और फिर बिना इंटरनेट के भी उसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि किसी भी वेबसाइट को अगर आप डाउनलोड करते हैं तो अपने पर्सनल यूज के लिए ही उसे इस्तेमाल करें। उसको वापस से सर्वर में डाल के लाइव करने से आपके ऊपर कानूनन कार्यवाही भी हो सकती है। यहां मैं जो भी आपको बताने जा रहा हूं ये सिर्फ पर्सनल यूज के लिए है। जिस तरीके का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ये अगर आप लिनक्स में है तो भी आप कर सकते हैं, और अगर आप विंडोज में है तो भी कर सकते हैं। फिलहाल मैक पे मैंने इसे ट्राई नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूँ इसे इस्तेमाल कैसे करना है। इस कमांड का नाम है wget और हम इसे कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इस्तेमाल करने वाले हैं। जहाँ पे लिनक्स या लिनक्स के किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन में इसे इनबिल्ट प्रोवाइड किया जाता है, विंडोज में इसे हमें अलग से डाउनलोड करना पड़ता है। तो सबसे पहले मैं आपको ये तरीका बता देता हूँ कि आप कैसे उसे डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए हमें अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में चलना होगा। सबसे पहले तो आपको अपनी उस वेबसाइट पे जाना होगा जहाँ से हम लोग wget के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं। मैं यहाँ जो वेबसाइट का यूज कर रहा हूँ मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको 64 बिट वाले वर्जन को डाउनलोड करना है। exe वाले को करिएगा, zip में मत करिएगा। zip में करेंगे अनजिप करके आपको वापस करना पड़ेगा, इससे अच्छा exe के डायरेक्ट यूज कर लीजिए। अब बेसिकली आप चाहें तो इसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, पर बहुत सरल तरीका ये होगा कि आप इसे कॉपी करिए और सी ड्राइव में विंडोज फोल्डर के अंदर System32 के अंदर आप जाइए और इसे पेस्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पहले ही इसे यूज कर चुका हूँ इसलिए यहाँ पे ये बता रहा है कि पहले से ऑलरेडी मौजूद है, फिर भी मैं इसे रिप्लेस करके दिखा देता हूँ। अब इसके बाद अगर आपको ये चेक करना हो कि आपके सिस्टम में wget इंस्टॉल हुआ है या नहीं तो कमांड प्रॉम्प्ट को एडमिन ओपन करिए। बिना एडमिन के एक्सेस के भी ये काम करेगा, पर एज एन एडमिन ओपन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सिंपली आपको wget यहाँ पे कमांड टाइप करके एंटर करना है। अगर आपको यहाँ पे मिसिंग URL करके कुछ दिख रहा है तो इसका मतलब है कि wget प्रॉपरली इंस्टॉल हो चुका है। यहाँ जिस वेबसाइट को मैं डाउनलोड करने जा रहा हूँ उसका नाम है java t-point। ये काफी बड़ी ट्यूटोरियल वेबसाइट है। अब मैं आपको तरीका बता देता हूँ। आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ये पूरा कमांड टाइप करना होगा। इसमें आप जो -m यूज कर रहे हैं इसका मतलब है मिरर। इसका मतलब ये होता है कि आप उस वेबसाइट को रिकर्सिवली तब तक डाउनलोड करेंगे जब तक उस वेबसाइट का हर एक पेज पूरा अच्छे से डाउनलोड ना हो जाए। इसमें जो -P है वो डाउनलोड डायरेक्टरी के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे -c हम लोग यूज कर रहे हैं। ये हम लोग यूज कर रहे हैं किसी भी डाउनलोडेड फाइल को, मतलब अगर वो आधे में इंटरप्ट हो गया हो उसका डाउनलोड तो आप वापस से उसे रिज्यूम कर सकें। -U का मतलब मेन ये होता है कि हम लोग इस तरह से आइडेंटिफाई करवा रहे हैं उस वेबसाइट को जब हम लोग डाउनलोड करेंगे इस कमांड के थ्रू कि हम एक्चुअली में एक वेब ब्राउजर है, ना कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर या प्लगइन जिसके थ्रू हम वेबसाइट को डाउनलोड कर रहे हैं। सो बस आपको बस इस पे एंटर हिट करना है और ये वेबसाइट डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अब वेबसाइट जब डाउनलोड होने लगेगी इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। एक्चुअली में मुझे इस पूरी वेबसाइट को डाउनलोड करने में 3 दिन लग गए थे और बाद में मुझे पता चला कि मैंने स्टार्टिंग का पोर्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया, इसलिए मैंने इसको रिकॉर्ड किया है अलग से। मैं यहाँ इस कमांड को कंट्रोल सी से रोक रहा हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैंने वेबसाइट कहाँ डाउनलोड की हुई है। जो -p था उसमें अगर आप कोई पाथ मेंशन नहीं करते हैं डायरेक्टली वो वेबसाइट को वहीं पे डाउनलोड करेगा जहाँ पे मैंने इसे पेस्ट कर रखा है, जहाँ जैसे कि आप देख सकते हैं System32 फोल्डर के अंदर। यहाँ पे आपको www.javatpoint.com के नाम से फोल्डर दिख रहा होगा। एक्चुअली में ये फोल्डर अगर आप कोई और वेबसाइट डाउनलोड कर रहे हैं तो किसी और नाम से होगा, पर इसी तरह का होगा। आपको यहाँ पे index.html को ओपन करना है। अब जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे उससे पहले मैं आपको यहाँ पे इंटरनेट बंद करके दिखा देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी वेबसाइट नहीं ऑन हो रही है। इसका मतलब है कि मेरा इंटरनेट बंद है। यहाँ पे मैंने एयरप्लेन मोड भी ऑन करके रखा हुआ है। अब आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट यहाँ से चालू हो गई है और पूरी तरीके से वर्किंग कंडीशन में है। अब मैं आपको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के कुछ क्लिप्स दिखा देता हूँ कि एक्चुअली में इसे टाइम कितना लगा है। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि इसे मैंने चालू जो किया था वो 18 तारीख से किया था और इसे डाउनलोड होने में करीबन 2 दिन लगे हैं, 2 दिन 2 रात पूरा। और इसके बाद जब ये डाउनलोड हो गया था तो पूरी तरीके से डाउनलोड होने के बाद इसमें एक प्रोसेस और होती है जहाँ पे ये जो वेबसाइट के लिंक्स होती हैं इसे ये लोकली कन्वर्ट करता है, जिसके थ्रू हम लोग इसे ऑफलाइन यूज में भी अच्छे से यूज कर पाए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो सारी वेबसाइट तो डाउनलोड हो जाएगी, पर अगर आप किसी और लिंक पे क्लिक करेंगे तो हो सकता हो कि वो उस लिंक पे ना जाके
वेब पेज नॉट अवेलेबल बता दे, जबकि वो पेज वहीं पे अवेलेबल होगा, उस पेज को मैन्युअली ढूंढ के उसे ओपन करना पड़ेगा। इससे अच्छा ये है कि इसे आप ऑफलाइन होने दें, इसके लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं होती लास्ट प्रोसीजर के लिए। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो पूरी वेबसाइट थी ये अप्रॉक्सीमेटली 4.5 GB की थी। सो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि विकिपीडिया यूट्यूब जैसी वेबसाइट से डाउनलोड ना करें, क्योंकि उसके लिए 1,000 TB लग जाएगा। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।